हेलो गाइस, वेलकम टू डे ऑफ होप। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो आज सोचा कि मैं आप लोगों के साथ एसबीआई प्री का रिजल्ट डेट एंड एसबीआई क्लर्क का जो मेंस डेट है उसको लेके थोड़ा सा डिस्कशन कर लूं, क्योंकि बहुत बच्चे बैठे हुए हैं कि रिजल्ट आई प्री का रिजल्ट आने के बाद ही मेंस के लिए तैयारी करेंगे। अगर आप भी उसी में से हो तो आप लोग ऐसा मत कीजिए, इसमें आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। इसका रीजन ये है कि आप लोगों ने शायद देखे होंगे कि आईबीपीएस का जितना भी एग्जाम होता है उसका प्री का रिजल्ट एंड मेंस का जो डेट है उसमें नियरली 3 वीक्स का टाइम मिल जाता है। लेकिन एसबीआई का केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको सम केसेस अगर आप लास्ट 2 to 3 years का ट्रेंड देखोगे 2 वीक्स का भी लेस देन टाइम आपको मिलता है, एंड सम केसेस आपको लेस देन 10 डेज भी आपको टाइम मिलता है। तो इन दैट केस अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि प्री का रिजल्ट के बाद ही मेंस का प्रिपरेशन करूंगा तो ये गलत होगा। फर्स्ट, दूसरा, अगर मैं एसबीआई क्लर्क का मेंस एग्जाम डेट के बारे में बात करता हूं, देखिए नोटिफिकेशन मेंशन है कि दिसंबर एंड जनवरी, तो ये दिसंबर मंथ तो खत्म है और मेरे हिसाब से जनवरी का मिड तक होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद एसबीआई पीओ भी है। तो जनवरी मिड अगर मैं बोलूं तो मेरे हिसाब से 15 टू 20 का बीच में मेंस का एग्जाम डेट होना चाहिए। एंड उस हिसाब से अगर मैं बोलूं कि एसबीआई क्लर्क का प्री का रिजल्ट कब तक आएगा, तो हाई चांस है कि नेक्स्ट वीक में आप लोगों का एसबीआई क्लर्क का आप लोगों का रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेट मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोग रिजल्ट का वेट ना करके बेटर होगा कि आप लोग मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि आपका प्री भी क्लियर हो गया एंड मेंस का प्रिपरेशन का टाइम है वो आपके पास है ही नहीं, तो उसमें क्या होगा, आपका अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा। तो बेटर है कि अभी से अगर आप लोग शुरू नहीं किया तो शुरू कर दीजिए एंड अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।